हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर खोल के बैठे हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जितनी भी ये लाइट्स दे रखी हैं, इनका मतलब क्या रहता है, क्यों जलती हैं ये, और फालतू में अगर कोई लाइट जल रही है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं अभी इतने काफी सारी लाइट्स रहती हैं। ये हमारी गाड़ी है XM वेरियंट पेट्रोल वर्जन। डीजल में थोड़ी बहुत लाइट्स अलग हो जाती हैं, उसकी भी मैं बता दूंगा अलग से। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जा सकते हैं, और वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहे तो। तो सबसे पहले तो भाई, अभी तो हमने चाबी लगाई है, चाबी अगर बाहर निकाल के रखते हैं तो सामने ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती दिख रही होगी आपको। ये है इमोबिलाइजर की लाइट बोलते हैं इसको। ये सिस्टम बनाया गया था हमारी गाड़ी को चोरी होने से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका काम क्या है, ये जो हमारी ओरिजिनल की देते हैं टाटा वाले, साथ में दो कीज, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कोड्स रहते हैं, और ये जो इमोबिलाइजर है ये सिस्टम इलेक्ट्रिकली हमारे इग्निशन को ऑफ करके रखता है। जब तक हम अपनी ओरिजिनल की नहीं डालेंगे तब तक ये ऑन नहीं हो सकता हमारा इग्निशन। ये इसका मेन मोटिव रहता है। और जो हमारी चाबी दी जाती है टाटा से, उसके साथ एक टैग नंबर देते हैं ये साथ में, उसको आपको अपने पास रखना होता है सेफली, कि कभी भी किसी सिचुएशन में अगर आपकी कोई चाबी खो जाती है तो आप टाटा में जाके दूसरी चाबी के ऊपर भी वही कोड्स डलवा सकते हैं। अगर वही ना कि सेम चाबी भी होगी पर कोड्स नहीं होंगे उसके ऊपर, तो भी आपका सिस्टम नहीं चलेगा। खैर, चोरों ने तो बहुत सारे तगड़म निकाले हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते होंगे, बट ये बेसिकली इस सिस्टम का ये काम रहता है। अब हम कर लेते हैं अपनी गाड़ी को ऑन। ये सामने ऑडोमीटर की रीडिंग दिखती रहती है जैसे आप चाबी अंदर डालते हैं, और ये खोलते हैं तो ये काफी सारी लाइट्स दिखेंगी। इन सबके ऊपर ही बात करेंगे पहले, जो कि ये जली हुई लाइट्स हैं, इन सबके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे हो जाओ मैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये लाइट दिख रही होगी आपको, ये सीट बेल्ट की लाइट है, ड्राइवर साइड की है, ये डी लिखा हुआ है। जैसे आप ऑन करते हैं इसको तो यहाँ पे पी वाली भी आती है, पैसेंजर की आती है। ये सिर्फ फ्रंट के दोनों के लिए है, आपने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ये लाइट जलती है। आप अगर गाड़ी ऑन करेंगे और 15 की स्पीड से ऊपर जाते हैं, तो अगर आप दो बंदे बैठे हुए आगे और दोनों में से एक ने भी नहीं लगाई है, तो मतलब पैसेंजर ने नहीं लगाई है और आपने लगा रखी सीट बेल्ट, तो ये बीप बीप करने लग जाता है सिस्टम, और 90 सेकेंड्स तक वो बीप करता है। अगर आप तब तक लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद वो बीप करना बंद कर देगा। 90 सेकेंड्स तक रहता है, बट काफ़ी ज़्यादा लगती है 90 सेकेंड्स भी। इसके बाद जैसे अभी ये लाइट, जैसे अभी लाल लाइट जली हुई है, अब मैं सीट बेल्ट निकाल के मैंने ये लगा ली तो ये चली गई लाइट। ये रहती है बेसिकली ये। अब इसके बाद ये देखेंगे आप, ये ग्रीन वाली लाइट है, ये DRL की लाइट होती है। जैसे कि आप कभी भी गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये लाइट जलेगी। अब मैंने यहाँ से साइड में से लाइट ऑन कर दी तो ये चली गई, DRLs नहीं जल रहे हैं अब। और ये तो चलो छोड़ो, इसको बंद करने के लिए भी जो ये यहाँ पे ये दे के रखते हैं ये इसी साइड में नॉब, इसको आप दो बार ऐसे करेंगे तो वो लाइट वहाँ पे बंद हो जाएगी, और वापस अगर आपको ऑन करनी हो तो ऐसे करके उसको जला सकते हैं आप DRLs को। तो पता नहीं था तो भाई कमेंट करके थैंक यू बोल देना, और पता था तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इधर ये राइट साइड में फ्यूल गॉज दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे साथ हमें डंडी दे रखी है, ये अभी अराउंड आधे से थोड़ा सा कम है हमारा फ्यूल टैंक। इसमें यहाँ पे जो अगर ई पे पहुंच जाते जब हमारी डंडी, तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का फ्यूल, मतलब लो फ्यूल का इंडिकेटर जल जाता है, जो कि मतलब रिजर्व भी बोल सकते हैं आप उसको। उसकी भी दिखा दूंगा कैसा दिखता है वो जल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी ऑन करेंगे तो जब भी ऑन करते हैं यहाँ पे लो फ्यूल की एक वार्निंग आती है, और जब आपकी गाड़ी अराउंड 40 यहाँ पे रेंज हो जाती है, 40 के आसपास हो जाती है, 40-50, तो यहाँ पे रेंज नहीं दिखाता। उसके बाद यहाँ पे रीफ्यूल का ऑप्शन आने लगता है, और ये वाली आपकी लाइट है जो फ्यूल गॉज की रेगुलरली ब्लिंक करने लगती है। और ऊपर की साइड आप आएंगे तो ऊपर ये इंजन का टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे पांच डंडे, चार तक एक बार को नॉर्मल रहता है, बट पांचवे पे थोड़ा सा आपको ठंडा करने की जरूरत पड़ सकती है उसको, तो ना जाए। अभी तक हमारा 3 तक गया, 4 तक भी नहीं गया अभी। और इधर की साइड देखेंगे आप, लेफ्ट साइड में तो ये टैकोमीटर दिया हुआ है, जैसे कि आप कभी भी गाड़ी ऑन करते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आ जाती है, इसका मीटर चालू हो जाता है। और जैसे ही आप इसमें स्पीड देंगे, ये जैसे 1 दिख रहा है अभी आपको, RPM मीटर भी बोलते हैं इसको, 1 दिख रहा है तो ये 1 नहीं है, ये बेसिकली 1000 × 1000 इसकी रीडिंग चलती है। और जैसे आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो इसकी ये रीडिंग्स ऊपर जाती हैं। तो ये है हमारा टैकोमीटर बोल लो, RPM मीटर बोल लो, एक ही बात है।
और ये हमने बंद कर दी गाड़ी। इसके बाद हम ऑन करेंगे तो सेंटर में हमारा स्पीडोमीटर देके रखते हैं, जितने भी स्पीड होती है हमारी उसके हिसाब से यहाँ पे हमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, और रिवर्स अगर हमने गाड़ी लगा रखी है तो रिवर्स का भी वो मिल जाता है, जैसे कि ये आ गया रिवर्स का। और कभी भी गाड़ी चल रही है जैसे कि हम फर्स्ट गियर पे चला रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हुई तो वो इंडिकेट कर देगा कि भाई ऊपर कर लो गियर, और अगर स्पीड कम हो जाती है हमारे गियर के हिसाब से तो वो इंडिकेट कर देता है कि भाई नीचे कर लो गियर एरो के हेल्प से। और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर इसमें ये सिटी मोड दिया हुआ है, ये जो हमारे पास ये नॉब दे के रखते हैं मोड्स चेंज करने का, उसको आप घुमाएंगे तो यहाँ से सिटी से इको हो जाएगा, इको से स्पोर्ट हो जाएगा, और वापस से सिटी पे भी कर सकते हैं। जब भी आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये सिटी बाय डिफॉल्ट रहेगा, जैसे कि अभी आपने समझ लो इको पे कर रखी है, ऑफ की, ऑन करेंगे तो ये वापस से आपको सिटी पे मिल जाएगा, जैसे कि देख भी सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे मैं टाइम दे रखा है, दिख भी रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये उल्टा आई बना हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोल सकते हो इसको, ये रहता है हमारा हैंड ब्रेक का साइन रहता है। अब कभी भी आप जैसे चल रहे हैं, अभी हैंड ब्रेक एंगेज्ड है, अभी मैंने ये हैंड ब्रेक जैसे हटा दिया तो ये चला गया। कई बार रहता है कि जैसे आप हैंड ब्रेक ऑन करके रखोगे, जैसे पिछली एक वीडियो में हो गया था मेरे से, जब एसी वाली बना रहा था मैं, एसी कितना इसका फ्यूल कंजम्पशन होती है एसी की, तो उसके अंदर मैंने हैंड ब्रेक ही लगा रखा था, और जैसे 8 की स्पीड क्रॉस की तो गाड़ी बिप बिप करने लग गई थी, तो मेरे को लग रहा था वो सीट बेल्ट का है। तो ये उस चीज़ का रहता है, अगर आपने हैंड ब्रेक हटाया हुआ है और उस सिचुएशन में भी ये लाइट जा नहीं रही है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं कि या तो भाई तुम्हारा ब्रेक फ्लूइड का लेवल है वो कम है, या फिर आपके ABS EBD सिस्टम में कोई फॉल्ट है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये गाड़ी को चेक कराना पड़ेगा, तो करा लीजिए, बहुत अच्छी अच्छा रहेगा अगर चेक करा लेंगे तो आप। बाकी इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप तो इधर ये दो लाइट दे रखी है रेड कलर की, ये जो ऊपर की साइड आपको लाइट मिलेगी ये लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर है बेसिकली। अगर जैसे कि ऑयल प्रेशर नहीं बन रहा है अभी गाड़ी का, जैसे अभी ऑन नहीं है, जैसे ही आप इसको गाड़ी को ऑन करेंगे क्लच दबा के तो वो चला जाएगा, ये दोनों के दोनों साइंस चले गए। इनफैक्ट यहाँ पे तीन साइंस थे, एक दो यहाँ पे थे और एक ऑरेंज कलर का इधर भी था, तीनों के तीनों चले गए। तो वो ये कि जैसे जैसे ही ऑयल प्रेशर मेंटेन हो जाता है वो साइन चला जाता है, गाड़ी ऑन करने के बाद भी अगर वो साइन नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट या लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है, तो आपको वो गाड़ी को एक बार चेक करा लेना चाहिए कि भाई कहीं कोई ज्यादा दिक्कत ना हो रही हो गाड़ी में। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बैटरी का साइन आया हुआ है, ये बैटरी का साइन बेसिकली रहता है कि जब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी जैसे अभी हमने गाड़ी ऑफ की हुई है तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है उस सिचुएशन में रहता है ये, या फिर अगर आप ऑन भी कर देते हो और तब भी नहीं जाता ये, तो मतलब कि बैटरी में चार्ज बहुत ज़्यादा कम है। उसको आप 3000 RPM पे 15 मिनट के लिए उसको चार्ज करके एक बार देख लीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं वो लाइट जाती है तो जितने भी सारे एक्स्ट्रा लाइट्स वाइट्स हैं वो सब बंद करके और इसको ले जाओ टाटा पे या कहीं पे भी मैकेनिक के पास दिखाने के लिए कि भैया इसमें क्या दिक्कत हो रही है थोड़ा देख लो, या हो सकता है बैटरी भी आपको चेंज करानी पड़ जाए। इसके बाद जो यहाँ पे ये आप ऑरेंज कलर की लाइट देख रहे हो, ये रहता है हमारा मेल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प, MIL भी बोलते हैं इसको। ये जब भी हम गाड़ी का जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये जला रहता है, और जैसे हम इंजन ऑन करेंगे तो उसके बाद ये चला जाएगा। अगर इंजन ऑन करने के बाद भी ये लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये रहता है कि आपके इंजन से रिलेटेड कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से जो एमिशंस लेवल है वो इंक्रीज हो गए हैं, जो कि रेगुलेटरी नॉर्म्स है उनसे ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाते हैं एमिशन लेवल्स तो ये लाइट जली रहेगी बाद में भी। जैसे ही मैं गाड़ी को ऑन करूंगा तो देख सकते हैं आप ये लाइट चली गई, तो बिल्कुल नॉर्मली है, नॉर्मल है सब कुछ, कोई सिस्टम में फॉल्ट नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद जैसे कि आप जैसे कभी भी गाड़ी को ऑन करेंगे, मैं फोटो दिखा देता हूँ अब तो आपको, बार बार क्या ही ऑन करूंगा इसको। जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो इसकी चाबी घुमाते हो तो ये सारी की सारी लाइट जलने का रीजन ही होता है, ये सिस्टम चेक करता है कि सब कुछ ओके है या नहीं है। अगर ओके नहीं है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, चल सकते हो आप, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। ये जो आपको हैंड ब्रेक का साइन है इसके नीचे और फ्यूल रिजर्व वाले के साइड में आपको एक ABS का साइन दिखेगा। अगर ये साइन जैसे कि आप ने स्टार्ट किया यहाँ से चाबी घुमाई है उस टाइम पे आएगा, चेक कर लिया इसने सिस्टम, उसके बाद 4 सेकंड के बाद ये चला जाता है साइन। अगर ये नहीं जा रहा है तो मतलब आपके ABS में कोई प्रॉब्लम है, उसको आपको चेक कराना पड़ेगा
एबीएस में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक ही नहीं लगेंगे आपकी गाड़ी के, नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा, एबीएस काम नहीं करेगा बस आपकी गाड़ी में। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे इनके इनके साथ एक इनके बैच में चौथा साइन और है, वो साइन रहता है हमारा हाई कूलेंट टेम्परेचर की, भाई हमारे कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उस सिचुएशन में ये साइन रहता है। अगर आपका इंजन ओवरहीट होने लगता है कूलेंट के हाई टेम्परेचर की वजह से तो ये लाइट जलती है, और इसके साथ एक ऑडियो बजर भी जलता है, ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी आपको उस सिचुएशन में। आपको ये गाड़ी को थोड़ा चेक कराना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा ठीक कर दो इसको, इसकी वजह से हो सकता है। बस इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि रेडिएटर प्रेशर कैप रेडिएटर पे से नहीं हटानी है जब भी इंजन गर्म होता है, और इंजन को वापस से रिस्टार्ट भी नहीं करना जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती आपकी। इसके बाद हम देखेंगे तो जो हमारा स्पीडोमीटर है इसके साइड में देखिए, ये दो साइंस दे रखे हैं, एक ऑफ का है और एक नॉर्मल है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का सिस्टम रहता है, अगर ये लाइट जलती है चेक होता है वो सिस्टम चलाया लाइट चली जाती है तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर नहीं जाता है वो फिर भी जल रही है ब्लिंक कर रही है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कहीं आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक साइड ऑन की है जिसके अंदर नॉर्मल है, और दूसरी साइड ऑफ की है अगर वो कोई भी दिक्कत करता है तो। इसके बाद जो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने लाइट दिखाई थी मेल फंक्शन इंडिकेशन लैंप, उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक गाड़ी का साइन है और उसमें एक सेटिंग्स का साइन दे रखा है, इसका नाम होता है बेसिकली फंक्शन का चेक इंजन लैंप, और ये भी नॉर्मली आती है और लाइट चली जाती है 4 सेकंड में जैसे कि आप चाबी घुमाते हैं। अगर ये तब भी नहीं जाती इसका मतलब होता है कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में कोई फॉल्ट है और आपको टाटा पे जाना पड़ेगा अगर वो लाइट नहीं जाती है तो। उसके अलावा उसके ऊपर देखेंगे आप तो राइट साइड में स्पीड लिमिट का वो दे रखा है, आपकी गाड़ी जब भी 80 की स्पीड को क्रॉस करेगी तो स्पीड लिमिट का जो वो साइन है वो रेगुलरली वहां पे रहेगा, और एक बार गाड़ी बीप करेगी, और जैसे ही आपकी स्पीड 120 को क्रॉस कर देगी उसके बाद वो रेगुलरली बीप 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 करने लग जाएगी जब तक आपकी स्पीड 115 तक नहीं आ जाती है। इसके बाद आप देखेंगे तो स्पीड लिमिट के लेफ्ट साइड में एक साइन दे रखा है इन्होंने, ये ई पास का साइन है, ये EPAS रहता है, इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, EPS भी बोलते हैं इसको। इसका अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके कुछ स्टीयरिंग व्हील में प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहुंच जाओ डाटा के पास और क्या। और इसके ऊपर आप देखेंगे ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये इंडिकेटर्स की लाइट्स हैं, ये राइट साइड का इंडिकेटर, ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, और ये हाई बीम की लाइट दे रखी है इन्होंने, ब्लू कलर में जलती है ये। और इसके अलावा इसके हाई बीम के और ड्राइवर साइड का जो ये सीट बेल्ट का साइन है इन दोनों के बीच में एक लाइट जलती है जिनके पास क्रूज कंट्रोल होता है उसकी, तो वो क्रूज कंट्रोल वालों के लिए था ही स्पेशली, जिनके पास भी क्रूज कंट्रोल रहता है। जैसे आप गाड़ी को ऑन करेंगे चाबी घुमाएंगे तो इसके बाद DRL वाली लाइट है, DRL वाली लाइट के ऊपर आएगा एक रेड कलर का, देख सकते हैं आप एयरबैग का साइन, ये आता है कि भाई चेक कर ले इन्होंने जैसे सिस्टम ऑन हुआ है हमारा और उसके बाद लाइट चली गई अगर नॉर्मल है तो। अगर नॉर्मल नहीं है सब कुछ सिस्टम कोई जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद वो जलता रहेगा कि भाई एयरबैग खुल गया, या अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है तो वो जलता रहता है कि भैया एयरबैग के सिस्टम में फॉल्ट है इसको दिखा लो थोड़ा सा। उसके आप नीचे आएंगे DRL वाली लाइट के, तो DRL वाली लाइट के नीचे इन्होंने दे रखा है आपको एक साइन, इस साइन का नाम है हिल होल्ड कंट्रोल वार्निंग लैंप। अगर ये कॉन्टिन्यूसली ऑन रहता है तो आपका मतलब हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम में कोई फॉल्ट है, आपको वो भी चेक कराना पड़ेगा। क्या क्या चेक कराना पड़ता है इनके अलावा, यहाँ पे मैं दो साइन और बता देता हूँ इसमें। ये राइट साइड में एक तो यहाँ पे रहता है, ये साइन यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है, ये रहते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल का साइन रहता है। यहाँ वाला जो साइन है वो है वार्निंग लैंप है, और यहाँ वाला साइन है वो ऑन का है कि भाई आपकी गाड़ी उतर रही है ढलान पे उतर रही है तो उस टाइम पे आपका हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन है या नहीं है, अगर वो ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप देख सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे ये बीच में दे रखा है 0 to 30 की आपको रीडिंग दिख रही होगी, ये नीचे देख रखा है InstaFE, ये बेसिकली रहते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। आप जैसे कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आप चलते हैं तो आपको नॉर्मली दिखता होगा कि यहाँ पे ये बार्स आ जाते हैं और वो ऊपर नीचे चल रहे हैं जैसे जैसे कि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो रहता है कि आप किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे फ्यूल इकोनॉमी कितनी
किलोमीटर पर आवर की दे रही है गाड़ी। मैक्सिमम यहाँ पे 30 की रीडिंग दे रखी है, मिनिमम 0 की दे रखी है। ये बीच में रहेगी तो अराउंड वही है 15 तक की होगी। अगर आप बीच में मेंटेन करके चलते हैं तो 15 के आसपास की देगी ये फ्यूल इकोनॉमी, ऊपर जाएंगे तो 30 की भी देगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। और वही है कि नीचे तो सब कुछ मिला के ही बताते हैं ये। इधर यहाँ पे ओडोमीटर दे रखा है और इधर ये डिस्टेंस टू एम्प्टी है कि भाई इतने डिस्टेंस के बाद आपकी टंकी खाली हो जाएगी। अभी मैंने ये चीज़ और नोटिस की है, इसको अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पे ये सेटिंग्स का साइन आ जाएगा और ये है कि 24 दिन में इसकी सर्विस ड्यू है 24 दिन बाद। और यहाँ पे अगर डेज से पहले आपके किलोमीटर्स पूरे होने वाले हैं तो यहाँ पे किलोमीटर्स आ जाएगा कि भाई इतने किलोमीटर बाद आपकी सर्विस ड्यू है, तो उस टाइम के बाद आपको सर्विस करानी पड़ेगी। यही है, आप इसको जैसे कि इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे ट्रिप ए का आ जाएगा और ट्रिप बी का भी आ जाएगा। यहाँ पे इनके हिसाब से आप देख सकते हैं जो भी सीन रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे जगह खाली दे रखी है इसके अंदर कभी भी आप कोई गेट खोलोगे तो यहाँ पे लाइट दिखा देगा। इसकी अच्छी चीज सिस्टम में यही है कि भाई कोई सा भी गेट खोलोगे तो वो आपको एग्जैक्ट दिखाएगा कि कौन सा गेट खुला हुआ है। अभी जैसे मैंने ड्राइवर साइड वाला खोलता तो ड्राइवर साइड का दिखा दिया, इन्होंने पैसेंजर साइड का खोल दिया तो ये दिखा दिया, और अभी ये मैंने आगे का भी खोला हुआ है और ये मैंने सी के अंदर अगर पीछे का भी खोल लेता हूँ मैं तो वो भी दिखा देगा कि भाई पीछे का खुला हुआ है। और एक और चीज़ कि इसके अंदर जैसे हम बूट खोलते हैं तो बूट का भी दिखा देगा कि बूट खुली हुई है। एक देखोगे तो ये बूट खुलने का साइन आया है इसके अंदर कि भैया हमारी बूट खुल रखी है। बूट खोलने का साइन जब तक नहीं आएगा जब तक आप पीछे जाके बूट को लिफ्ट नहीं करोगे, यहाँ से बेशक ऑन कर लो तब नहीं आएगा वो साइन।